बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम यार्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। यार्स, आज आज मैं शाम के खाने में ये पकोड़े बना रही हूँ, क्योंकि सावर की तबीयत रात को बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसके पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, पूरी रात हम जागते रहे, तो आखिरकार जो घर में मेडिसिन थी वो देते रहे, लेकिन किसी मेडिसिन का कोई असर नहीं हुआ। पेट में शदीद पेन थी, नहीं रुकी। आखिरकार इसे हम इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके गए, तो वहाँ जाके हमने इसका चेकअप करवाया, तो इंजेक्शन लगाया। फिर उसके बाद इसकी तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी और ये आके सो गई। थोड़ी देर तो पेन होती रही, लेकिन उसके बाद ये सो गई थी। तो आज सुबह से इसने कुछ भी नहीं खाया, दो बिस्किट खाए हैं और कुछ भी नहीं खाया। अब मैंने इसको लेज ला के दिया है, लेज खाया इसने। तो अब मैंने सोचा कि मैं चलो थोड़े से पकोड़े बना दूँ इसके लिए। बस तो अब ये शाम के खाने में मैं पकोड़े बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग सब्ज मिर्ची वाले पकोड़े बनाते होते हैं, तो सब्ज मिर्ची जो है मैंने वो चॉप कर ली है। अगर कटिंग करके डालें तो वो फिर बच्चों के मुंह में आती है, बच्चे खाते नहीं हैं। तो मैं इसको ज़रा सा, तो मैंने सब्ज़ मिर्ची थोड़ी सी डाली है इसमें, ताकि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आए। और मैं आलू के पकोड़े बना रही, ये आलू मुझे ज़्यादा लग रहे थे इसलिए मैंने ये आलू रख लिया है। मैंने कहा इतना ही काफ़ी है, तो अब मैं इसमें ये आलू डाल लिए हैं। इसमें मैं नमक डालूंगी, क्योंकि हम ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। आपको बताया हुआ है, जैसा कि हमारे घर में एक पेशेंट है, तो वो उनका बीपी बहुत ज़्यादा शूट करता है, किडनी का प्रॉब्लम है उनका, तो उनकी वजह से हम स्पाइसी खाने बिल्कुल नहीं खाते, लाइट से ही खाते हैं। तो नमक तो बिल्कुल ही कम खाते हैं और मिर्ची भी कम ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। तो ये मैं थोड़ी सी इसमें मिर्ची डालूंगी, ताकि बच्चे भी खा लें, बच्चों को ज़्यादा मिर्ची ना लगे। तो ये मैं जी आज उनके लिए पकौड़े बना रही हूँ। मिक्स कर लूँगी पहले ही, फिर बाद में इसमें पानी डालूँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। कढ़ाई की ये जी हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी जो पकोड़े हैं वो तैयार हो गए हैं। तो ये जी हमारे ये हमारे बन गए साथ में दही बड़े, और ये हमारे क्रिस्पी से पकोड़े बने हुए हैं। तो अब हम ये दही बड़े ये हैं, पकोड़े, और साथ में ये हमारी चलेगी रोटी। ये सब कुछ हमारा चल रहा है साथ साथ। यस, अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये नहीं, ये हमारी आज की डिश है, आज के हमारे शाम का खाना ये है। अच्छे से पकड़ो। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
चैनल को लाइक करें और शेयर और कमेंट करें, और हमारे आरजे मराना को बहुत सारे लाइक दीजिए, 200 लाइक, 400। ओके बाय बाय। और फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हम आपको और भी बहुत सारी वीडियो देंगे। ओके बाय।